कुछ है वो क्या हुआ? कोई लग रहा है यार, रात के 3 बज रहे हैं यार। ओ ये टेंट ला रहा है वो पीछे पीछे से, पीछे बैक साइड से। देखिए देखिए देखिए। तो गाइस ये हमारा टेंट है, यहाँ पे किचन का सेटअप है और ये हमारा टेंट। तो गाइस देख सकते हैं यार क्या जबरदस्त बनाया तैयारी, जबरदस्त क्या ग्रेवी बनी है यार। सब पीना तो पानी गाइस यही पानी पीते हैं जो बहता हुआ पानी होता है, ऊपर ग्लेशियर से आता है पानी। तो यही तो गाइस हमारा चाय बन के हो चुका है रेडी, टेस्ट करते हैं और दिखा बताते हैं कैसा टेस्ट बना है काफी मेहनत के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो अदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत जगह से करने वाले, क्योंकि आज हम लोग चल रहे हैं कैंपिंग पे। हमारे साथ हमारे चार भाई, हमारा अशु भाई, जोसिम और भी भाई हमारे साथ है। तो हम लोग चल रहे हैं कैंपिंग पे, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि मैंने इससे पहले कैंपिंग किया और दिखाया, उसमें वन डे कैंपिंग था, सुबह जाना शाम था, लेकिन इस बार टू डे टू नाइट स्टे कैंपिंग करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, सारे चीज़ कवर करेंगे इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर इन तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आगे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नारा नाग। किसी देख सकते हैं हमारे भाई लोग, एक हमारे जूनियर है, ये हमारे क्लासमेट जोसिम और ये अशु भाई, उनको जानते ही होंगे आप लोग। पीछे नारा नाग देख सकते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पहुंच चुके हैं कैंपिंग के लिए, तो पीछे रास्ता है यहाँ जाने का, तो यहाँ चलेंगे, देखते हैं ऊपर ऊपर जाना हमें, वहाँ करेंगे कैंपिंग। हमारे भाई लोग हैं, देख सकते हैं हम लोग सब लोग निकल चुके हैं कैंपिंग के लिए, फोटो वोटो शूट करवा रहे हैं। चलते हैं यहाँ से, बने हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। शाम हो चुकी है लगभग, तो सारा एंजॉयमेंट सारा चीज आपको तक शेयर करेंगे, तो चलिए हमारे साथ बने रहे आगे तक। फाइनली 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 हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पीछे हमारा लग चुका है कैंप और यार क्या बताऊं मैं, क्या जबरदस्त लोकेशन है वल्लाही। देख सकते हैं पीछे काफी इंजॉयमेंट कर रहा है बंदा। पीछे लोकेशन देखते हैं गाइस, जबरदस्त, काफी जबरदस्त खूबसूरत लोकेशन, बहता हुआ फ्रेश पानी और फिर इसके जस्ट किनारे हम लोग किया कैंपिंग। चलो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज। हमारे अशु भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर नहीं लगे इनको, ये नमाज पढ़ रहा है यहाँ। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत दे नमाज पढ़ने की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है कि इस जगह पे भी अल्लाह से जुड़े हुए, अल्लाह को याद करना, इस चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत कुछ बहुत इंजॉयमेंट कराने वाले आप लोगों को। तो मैं थक गया था अभी, तो जोशी बैग मैंने दिया लकड़ी काटने के लिए और यह भी लगे हुए हैं। बस इधर आसपास भी काफ़ी लकड़ी है, ये सारा हम यहाँ से ये कलेक्ट कर लेंगे भाई, कुछ ऊपर से ले आएंगे। हाँ पूरा उठा ले।
ये हमारा टेंट लग चुका है, ये हमारा सामान, और ये टेंट लग चुका है देख सकते हैं अंदर, ब्लैंकेट, और इसके सामने हमारा किचन का जो सामान हम एडजस्टमेंट किए हैं, ये चलते हैं और देख सकते हैं किचन का सारा सामान यहाँ, इसमें सारा किचन का सामान यही है। तो गाइस फाइनली हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, और इसके बारे में बता दें तो ये गैस स्टोव छोटा सा होता है जो कैंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमारा चाय निकालते हैं, और यहाँ हमारे भाई लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ जलाएंगे आग, तो थोड़ा आग रहेगा तो रोशनी रहेगा तो अच्छा है, बाकी क्योंकि दूर दूर देख सकते हैं पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो बस चाय निकालते हैं और बस आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली गैस हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, और ये चाय बिस्किट जो हमारे पास अवेलेबल है तो खाते हैं, और सामने हमारा आग जल चुका है। गाइस रात के पहुंच रहे हैं 9, और फाइनली हम लोगों ने नमाज वमाज पढ़ी, और ये हमारा कैंप लगा हुआ जो दिखता नहीं होगा आपको, और यहाँ बन रहा है हमारा खाना। तो गाइज अब फाइनली चावल की तैयारी हो रही है, चावल जोशीम हमारे जोशीम भाई चावल धो रहे हैं अच्छे से। और ये गाइज अगर मैं आप लोग क्वेश्चन पूछे पानी कैसा पीना, तो पानी गाइज यही पानी पीते हैं जो बहता हुआ पानी होता है, ऊपर ग्लेशियर से आता है पानी, तो यही पानी हम लोग पीते हैं। और वहाँ खाना बन रहा है, वहाँ लगभग बन चुका है, तो जोशीम भाई हमारे चावल धो रहे हैं यहाँ, तो इसी पानी से चावल धोते हैं, और पीना यही पानी होता है। तो गाइस देख सकते हैं यार क्या जबरदस्त बनाया तैयारी, जबरदस्त क्या ग्रेवी बनी है यार, ओहो कंफर्म सिलेक्शन। लगभग रात के 10:30 हो रहे हैं, और आप लोग देख रहे हो मैं अंदर क्यों बैठा हूँ, इसीलिए कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। आप लोग देख सकते हैं पीछे हमारा खाना लग रहा है, हमारे भाई लोग यहाँ, तो बहुत तेज बारिश हो चुकी है, यहाँ हमारा रिंग लाइट अभी काम आ रहा है, ये बहुत काम आ रहा है। तो खाना खाएंगे अभी, बारिश हो रही है बाहर, उसका नजारा दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। हमको अगर बारिश हो गई तो कैसे, हमारा मुंह में बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी लगाया जाए आशु भाई, जल्दी लगाया जाए। नहीं 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 जबरदस्त। तो ये लेग पीस तैयार है, ये बारबेक्यू हमारा तैयार है, बस बनेगा और खाएंगे फिर मजा आएगा कसम से। तुम्हारा कैप्चोनो बन गया जबरदस्त जबरदस्त। वही वही इस सन्नाटे अंधेरी रात में कैंपिंग करना हुई बारबेक्यू के साथ काफी मजा होता है, जबरदस्त। सुंदर देखना क्या स्मेल आ रही हो, जबरदस्त कसम से, ओ जबरदस्त क्या मौसम, स्मेल आ रही है यार वल्ला। हमारे रोटेट कीजिए रोटेट कीजिए रोटेट। तो गाइस हमारा जो है बारबेक्यू रेडी हो गया, और हमारा बेस्ट शेफ हियर अशर भाई आराम से ऐसे करता है। ओह सिंगल पीस देखें यार क्या चीज है कसम से, ये कड़क है लेकिन ये ऊपर ऊपर से आई है पूरा मजा आया, लेकिन क्या जबरदस्त बना यार वाकई में, देखा है रात के 1 बजने वाले हैं, मेरे शेफ आशु भाई नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं दिल्ली का भी खाया हूँ, अलीगढ़ का भी खाया हूँ, और कश्मीर का भी खाया हूँ, बट आज मैं आंसू भाई का हाथ पे खाया हूँ, मजा आ गया, बहुत स्पाइसी था, अनएक्सपेक्टेड। आई एम अ मास्टर शेफ
शानदार भी है, काफी जबरदस्त देखने में देख सकते हैं आप, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइज फाइनली रात के 2:30 बज रहे हैं, लगभग 3 बजने वाले हैं और मेरी आँख खुली है और हमारे सब भाई सो चुके हैं। लेकिन गाइज मुझे एक ये क्या हो रहा है, ये वो कुछ है, वो कोई टेंट हिला रहा है यार। कौन देख तो क्या हुआ, कोई टेंट हिला रहा है यार। कहाँ? अभी हम एंडिंग कर रहे थे ना वीडियो, कोई देख ना, कोई टेंट हिला रहा है पीछे से। वो उठ जाओ, क्या हुआ, कोई टेंट हिला रहा है यार। आशु भाई देख यार, बाहर कोई होगा शायद यार, कुछ जानवर वानवर लग रहा है यार। जानवर आ गया क्या? रात के 3 बज रहे हैं यार। ये टेंट हिला रहा है वो, ये देखिए कौन है, देखिए कुत्ता होता होगा, सो जा। अरे वो जानवर ने, ओ जानवर लग रहा है वो, कसम बहुत देर से हिला रहा है वो। आवाज भी आ रही थी अभी, देखिए हम बाहर जाके देखें क्या। सो जाओ, हमने नमाज पढ़ी है, दुआ पढ़ लो। बारिश भी हो रही है गाइस, बारिश हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ जानवर है जो आसपास जो राउंड कर रहा है। आवाजें भी आ रही थी, अरे हमने नमाज पढ़ी और रात के नमाज पढ़ा हम लोगों ने, रात के 3 बज रहे हैं और ये देखिए ये यहीं से भाग गया। तो गाइस इन लोगों का कहना है, मुझे तो काफी डर लग रहा है यार, काफी डर लग रहा है। हमारे साथ अशुभ आए हैं, लेकिन फिर भी होता है डर, खौफ होता है दिल के अंदर। 3 बज रहे हैं अप्रोक्स और मुझे आवाजें भी आ रही है बाहर से, तो लेकिन बारिश हो रही है बहुत तेज, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे बारिश बहुत तेज हो रही है। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर देखते हैं कि अभी फिलहाल के वीडियो बंद करते हैं, क्योंकि काफी डर लग रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है इस सिचुएशन में। देखते हैं कुछ क्या होता है, फिर आप लोग दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ। तो फाइनली गाइज हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं अप्रोक्स 7:30 और हम लोग जो टेंट वेंट था रात को तूफान में हवा में खराब हुआ था उसको ठीक कर रहे हैं अशुभ भाई लोग। और यार क्या जबरदस्त, वल्लाही जबरदस्त नींद आई थी। उसके बाद हमारे सब लोग अपने काम पे लग चुके हैं, जोशी भाई बर्तन धो रहे हैं, तो फ्रेश वेश होते हैं, उठते हैं और फिर मैगी वैगी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, उसके बाद फिर आएगा नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी व्यू चारों तरफ देख सकते हैं, जबरदस्त, काफी जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त। और इस पानी की शोर, ये पानी की शोर के साइड में सोना, नींद आना जबरदस्त, अलग ही मजा था। देख सकते हैं पीछे बहता हुआ पानी, ओहो जबरदस्त। चलिए बने हमारे साथ और दिखाते आएगा आप लोगों को। तो एक्चुअली में हुआ ये कि रात को इस साइड से यहाँ से कुछ जानवर था, दो रात के 2:30 या 3 बज रहे थे अप्रोक्स। तो निशान मैं दिखा दूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से निशान, नाखून का निशान है अभी टेंट के ऊपर, जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हैं 2-3 निशान है यहाँ। और ये खुल भी गया था, ये निकाल दिया था रात को, डर ज़्यादा लग गया था। मैं फिर आगे का वीडियो नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि डर से सब लोगों का बहुत बुरा हाल था। और यहाँ कुछ पैरों के निशान देख सकते हैं आप लोग, ये तो मे भी हो सकता है कुछ भालू वालू रहा होगा या कुछ भी जानवर रहा होगा, अल्लाह जाने। तो मेरे अकॉर्डिंग सामने वहाँ जंगल है तो वहाँ से आया होगा या जो भी हो, अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे हम लोग। बादल लग चुका है, बारिश होने का भी चांसेस है और बाकी है, दूर दूर तक तो कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मंजर, बहता हुआ पानी और उसके किनारे हमारा टेंट लगा हुआ। तो गाइस सुबह के बज गए 7 और अभी हम सो के जग गए हैं और ये हमारे जोशीम भाई हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बर्तन धुलने में। भाई इधर देख लो, एक प्यारा सा स्माइल, और उधर मुंह धुल रहे हैं मोशिर भाई, और ये देखो काफ़ी यहाँ से ये व्यू, और हमने यहाँ पर लगाया था कैंप रात में। हमारा ये मॉर्निंग का चाय बन रहा है और ये हमारा वगैरह सब
यहाँ पे चिकन मैरिनेटेड हमें चिकन बनने वाले हैं। तो गाइस हमारा चाय बन के हो चुका है रेडी और बिस्किट चाय बिस्किट खा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं आप 9 और यहाँ मैगी की तैयारी कर रहा है डैडी। मैगी बनाएंगे फिर खाएंगे। मैगी बन चुकी है, हम डाल रहे ऊपर से मैगी मसाला। 11 बजे मैगी खा रहे हम। तो ये मसाला डाल दिया अपन ने। फाइनली गाइस हमारा मैगी बनकर तैयार है, देख सकते हैं क्या टेस्ट है, जबरदस्त। कैसा टेस्ट है जोसिम? बहुत बढ़िया भाई, बहुत लजीज, जबरदस्त। गाइस चिकन का प्रिपरेशन स्टार्ट है भाई मुदस्सिर भाई और चिकन फ्राई बनाया है हमारा सारा सब्जियां कट गई है। तो गाइस ये हमारा टेंट है, यहाँ पे किचन का सेटअप है और ये हमारा टेंट। तहरी बना रहा है प्याज टमाटर, ये चिकन फ्राई, साइलेंट वैलेट। और दिखा बताते हैं कैसा टेस्ट बना है काफी मेहनत के बाद। गरम गरम मुझे लग रहा है दही हमारे साथ। देखते हैं बारबेक्यू कैसा है। अभी अप्रोक्स शाम के 4 बजने वाले हैं और हम लोग डिसाइड किया कि हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि एक अर्जेंट काम पड़ गया था हम लोगों को, तो सोचा कि निकलना चाहिए यहाँ से। मौसम थोड़ा ठीक हुआ, धूप निकली, हम लोगों ने खाना वाना खाया अच्छे से। उसके बाद अब सामान वान पैक किया है, लगभग पीछे सब लोगों का रखा हुआ है। और जैसा कि जो किचन का टेंट था आप लोगों ने देखा होगा वो खुला, पीछे अशु भाई और बाकी भाई लोग टेंट खोल रहे हैं, सामान वामान पैक कर रहे हैं। हम लोग भी रेडी वेडी हो चुके हैं तो निकलेंगे यहाँ से। लगभग हमें रूम तक 1200 तक पहुँचने में लगभग 2-3 घंटे लगेंगे, तो शाम के 7-8 बज सकते हैं। तो निकलेंगे, सारा प्रोसेस अभी सामान वामान पैक करते हैं, टेंट टेंट निकालेंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो चलते हैं और एंडिंग करेंगे आगे चल के, बाकी बने रहे, अभी निकलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइज हम लोगों ने सारा सामान पैक किया और हम लोग फुल्ली प्रिपरेशन होकर सारा सामान लेकर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अब रूम के लिए। ठीक है, देखते हैं अगर मौसम सही रहा तो हम लोग स्टे करेंगे, साथ एंडिंग का दिखाएंगे। बने रहे बहुत, मतलब आगे भी कुछ ऐसा होने वाला है या 45 मिनट आधा घंटा लगे हम जाने में। चलते हैं, बने हमारे साथ। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे बारूसा और काफ़ी लंबा सफ़र रहा, 2-3 घंटा हुआ हमें निकले हुए वहाँ से। उसे फाइनली हम लोग पहुँचे हैं, पीछे रूम है जिसमें हॉस्टल है, जिसमें आशु भाई और तहरी चला गया, हम लोग बस निकलेंगे, 2 मिनट लगे पहुँचने रूम पे। तो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में इतना ही। तो कैसा रहा कैंपिंग का टूर कमेंट करेंगे, ज़रूर बताएंगे। और भी आप लोग एक्सपीरियंस मिला होगा कैसा कैंपिंग की जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है और कैंपिंग में कौन कौन सामान ज़रूरत पड़ती है या फिर क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज आती है, कैसे कैंपिंग की जाती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। तो हमारे साथ जोसिम भाई हैं, बाकी हम दोनों भाई निकलते रूम पे। सफर मजेदार रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा, अल्लाह की कसम बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया। तो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में इतना ही और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले, मैं नया वीडियो, नया कैंपिंग वीडियो या नया आप लोग कोई डिमांड हो वीडियो की मैं लाऊँ आप लोगों के लिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।